हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या हाई लगा क्या लो लगा, कहां पर क्लोज हुआ बाजार, कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स में आज के लिए रणनीतियां बनाई थी, कहां प्रॉफिट हुआ कहां लॉस हुआ और कल के लिए क्या बन के आ रहे हैं मैजिकल फिगर, उन सब की बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी के आज अपने सपोर्ट लेवल लिए थे 13590 का, आज का लो पोस्ट हुआ है 13686 का। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 13780 का, हाई पोस्ट हुआ है 13794 का, 13794। स्पेसिफिकली आप लोगों को इस लेवल पे एकदम ऑल टाइम हाई पर बाजार आने के बाद भी आप लोगों को स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स मिल रहे हैं। और भी लोगों की मदद करिए, लोगों तक चैनल पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस चैनल का और हमारी मेहनत का फायदा उठा सकें। आज के रेजिस्टेंस 13780, आज का हाई 13794। लाव माल, जिस किसी ने भी उस लेवल पे माल बेचा होगा, हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करना हुआ ये, जो हम प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ली जा सकती थी तो उसको पैसा मिला होगा। 754 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। इसका मैजिकल फिगर आज के लिए लिया था 13465 का। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज। तो मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार तो बाजार है तेज। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 13625, 13530, रेजिस्टेंस 13828। अब की बार 800 के पार। दूसरा रेजिस्टेंस 14035, 14000 के फिगर भी दिखने लगे भाई साहब। ये हुई हमारी निफ्टी की बातचीत। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लिए थे 13700 और 13440 का। आज का लो पोस्ट हुआ है 30700 का और 30740 का। आज का लो पोस्ट हुआ है 30552 का। रेजिस्टेंस लिया था 31105 का। हाई पोस्ट हुआ है 30998। कल का रेजिस्टेंस लिया था 30990 का, आज हाई पोस्ट किया है 30998 के। 30400 का इसका मैजिकल फिगर लिया था। आज मोटा माटी बैंक निफ्टी में तो इतना उपद्रव नहीं था, 50-60-100 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन में बाजार निकाल दिया। कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, कुछ घमासान इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको सारे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सब जीरो करने थे। नन्हे मुन्ने जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं ऑप्शंस को बाय करके कामकाज करते हैं, उनका फंड वैल्यू पूरा जीरो कर दिया होगा। कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 30740, रेजिस्टेंस 31140 और 31550। 31550 तक का पोटेंशियल बना रही है, 31140 का भी एक रेजिस्टेंस है। मैजिकल फिगर 30440, निफ्टी का मैजिकल फिगर 30440, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर 13465। तो जब तक बाजार इन स्तरों के ऊपर चल रहा है तब तक आंख बंद करके कहना है सबको तेजी है। बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक में हमने क्या रणनीतियां बनाई थी। आज स्टॉक स्पेसिफिक में हमारे पास पहले का जो होल्डिंग थी उसकी बातचीत करें। आईसीआईसीआई बैंक एक होल्ड पे था कल का, 511.10 के आसपास का, 511.70 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करने कह दिया। हालांकि 516.50 के आसपास, 517 के आसपास ही इसको सेल करने कहा था। 517.50 के आसपास 516.50 का इसने हाई क्रिएट किया है। तो जिस किसी ने भी अगर पकड़ पकड़ के रखा होगा तो 516-515 के आसपास आराम से कंफर्टेबल एग्जिट मिली होगी। परफॉर्मेंस शीट में 511.70 में इसको क्लोज कर दिया है। तो आईसीआईसी बैंक में अगर हम कहें कि हमको कुछ नहीं मिला है तो भी कोई बुरा नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्री एक हमारे पास बाय पे था 1970 के आसपास का, 1987 के आसपास इसकी आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। दो ही स्टॉक हमारी होल्डिंग पे थे, अब हमारे पास होल्डिंग में कुछ नहीं है। बात करता हूँ कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। कल के लिए नहीं, आज के एग्जीक्यूशन हुआ वो तो बात ही नहीं की। आज आप लोगों को सेल करने कहा था आईसीआईसीआई बैंक 517.50 के आसपास, 516.50 का हाई पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ना ही इसको परफॉर्मेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड किया है। रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करने कहा था 1987 के आसपास,
2006 का स्टॉप लॉस बोला था, आज का टारगेट, आज का हाई देखिए 2005 रुपए का, लो देखिए 1977 का। अपन टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1928 रुपए के, जो कि अचीव नहीं हो पाए। क्लोजिंग पे इसकी भी परफॉर्मेंस शीट में क्लोजिंग एंट्री ले ली है जो कि थी 1985 रुपए 60 पैसे, इसमें भी कोई बड़ा भारी कुछ न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तीसरा कॉल लिया था, विप्रो सेल करना था 362 के आसपास, 359.25 का इसका हाई पोस्ट हुआ है, 354.60 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 355.50 का लो पोस्ट किया है, यहां पर भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। चौथा कॉल लिया था एसबीआई, एसबीआई में मजा आया होगा आज, 272.50 तक सेल करने कहा था, 272.15 का इसका हाई पोस्ट हुआ है, 266.70 का इसका लो पोस्ट हुआ है, 263 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 267.70 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है, टारगेट आज अचीव नहीं हुआ। इक्विटी था तो आप लोग इसको सेल करके होल्ड नहीं कर सकते, तो इसका प्रॉफिट अल्टीमेटली आप लोगों को इंट्राडे में ही बुक करना पड़ता है। हालांकि मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू 268.80 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करवा दिया था, तो आप लोगों ने वहां पर करीब करीब 1% अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का कैपिटलाइज किया होगा। 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, 1,000 मिला होगा, 1,00,000 इन्वेस्ट किया होगा तो 10,000 रुपए मिला होगा। चलिए बात करता हूँ कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। कल अल्ट्रा सेम्पो को बाय करेंगे 5,140-5,155 के आसपास, 5,099 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 3235 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा सिप्ला, सिप्ला को बाय करेंगे 772-775 के आसपास, 769.40 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 800 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 725-728 रुपए की रेंज में बाय करेंगे, 723.90 का एक छोटू सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 739 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा हीरो मोटो, हीरो मोटो को बाय करेंगे 3,055-3,065 के आसपास, 2,999 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 3,180 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये होंगे हमारे कल के लिए चार स्टॉक्स। जो भी बातचीत मैं स्टॉक्स की करता हूँ वो NSE इक्विटीज के होते हैं, और जो भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बातचीत करता हूँ वो नियर टर्म एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत होती है, जिस तरह से मैं अभी 31 दिसंबर 2020 की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जाते जाते धपाक से एक प्यारा सा लाइक दबा के जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा ही नहीं बन सकता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी बातचीत मैं वीडियो में करता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होती है तो वहां पर जरूर पोस्ट करता हूँ। तो पब्लिक टेलीग्राम आपके और मेरे बीच का ब्रिज है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ अकाउंट ओपनिंग की लिंक होती है, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पे और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, और पा सकते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।